2000 साल से ज़ायद अरसे की बात है कि मरियम नामी एक नौजवान लड़की से जिब्राइल फरिश्ते ने मुलाकात की। उसका मरियम के लिए बहुत खास पैगाम था। ऐ मरियम, खौफ न कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। तू हामिला होगी और तेरे बेटा होगा, और तू उसका नाम यसू रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। फिर जब यसू बैतलहम के कस्बे में पैदा हुए तो आसमान और जमीन पर बहुत खुशी हुई। बैतलहम में चरवाहे अपनी भेड़ों के गल्ले की निगहबानी कर रहे थे, जब अचानक फरिश्ते आसमान से नाजल हुए। वो खुदा की हम्द करते हुए कहते हैं, आलमे बाला पर खुदावंद की तमजीद हो, और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। चरवाहे जल्द ही उस नौमौलूद बच्चे बादशाह से मिलने और उसकी इबादत करने के लिए आए। उन्होंने उन चीजों के लिए जो उन्होंने देखी और सुनी खुदा की हम्द की, जिस तरह मरियम, यूसुफ और चरवाहों ने यसु की इज्जत और इबादत की, हमें भी उसकी इज्जत और इबादत करनी है। और एक दिन जब हम आसमान पर होंगे, हम उसके तख्त के गिर्द हमेशा उसकी ताजीम और इबादत करेंगे।